नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी और बेहद बुरी खबर इस वक्त आ रही है गुजरात से। गुजरात के भरूच जिले के वागरा तालुका के कच्चीपुरा गांव के पास एक तालाब का दूषित पानी पीने से 25 से अधिक ऊँटों की मौत हो गई है। ग्रामीणों ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना रविवार को हुई। दरअसल क्षेत्र के माध्यम से कच्चे तेल को ले जाने वाली एक पाइप लाइन में रिसाव हो गया था, जिसके कारण तालाब दूषित हो गया। इसके बाद तालाब का दूषित पानी ऊँटों ने भी लिया। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कच्चीपुरा के ग्रामीण, जिनकी आबादी 250 है और यहाँ लगभग 60 घर हैं, पशुपालकों के मालधारी समुदाय के हैं। ऊँट उनके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ऊँटों ने उनकी आजीविका चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गांव पीने के पानी के संकट से जूझ रहा है। 67 वर्षीय निवासी रहमान भाई जट, जिनका परिवार 1916 से ऊँटों सहित पशुपालन में शामिल, उन्होंने कहा, हमें कुछ निजी आपूर्तिकर्ताओं से पानी के टैंकर मिल रहे थे, लेकिन ये पिछले 2 महीनों से बंद हैं। उन्होंने आगे बताया कि चिलचिलाती गर्मी से राहत देने के लिए रविवार को ग्रामीणों ने ऊँटों को 5 किलोमीटर दूर चंचवेल झील में ले जाने का प्रयास किया। हालांकि दुखद घटना तब हुई जब ऊँट रास्ते में एक जंगल निकाय तक पहुंचने पर मरना शुरू कर दिए थे, जिससे गांव वाले सदमे में आ गए हैं। जट के मुताबिक गाँव में 30 ऊँटों का नुकसान हुआ है, जिनमें से 25 के शव बरामद कर लिए हैं। शेष ऊँटों का इलाज जारी है। अब तक की सबसे बड़ी और बेहद बुरी खबर आ रही है। बता दें कि यहां एक झील के अंदर दूषित पानी पीने से 25 से 30 ऊँटों की मौत हो गई है। अब दोस्तों ग्रामीण मुआवजे की मांग कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों पुलिस अधिकारी भी जांच कर रहे हैं। अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें। आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें।